दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ चुका हूँ एक यूनिक गैजेट वाली वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पर एक मिनी ड्रोन लेकर के आया हूँ। और ये जो मिनी ड्रोन है वो आपको काफी कम प्राइस पॉइंट पर काफी सस्ते में अमेज़न पे देखने को मिल जाता है। तो इसका जो बाइंग लिंक है मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप इस ड्रोन को परचेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर इस ड्रोन के पूरे फीचर्स और पूरी डिटेल के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इस ड्रोन का नाम है सीमा X20 पॉकेट, और यहाँ पर ये जो ड्रोन है वो एक पॉकेट ड्रोन है, इसके नाम से आपको कंफर्म हो रहा होगा। अब यहाँ पर इस ड्रोन के हम साइज के बारे में बात करें तो इसका जो साइज है वो आपको बड़े ड्रोन के मुकाबले काफी छोटा यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन इसमें फीचर्स आपको काफी अच्छे दिए गए हैं। दोस्तों इस ड्रोन का जो बॉडी मटेरियल है वो काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर इस ड्रोन में आपको चार ब्लेड्स देखने को मिल जाती है। सिंपली जब आप इस ब्लेड को इंसर्ट करते तो आपको बहुत ही केयरफुली इन ब्लेड्स को इंसर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर टूटने वगैरह का डर रहता है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इंसर्ट करें। दोस्तों इसका हमें एक डेडिकेटेड रिमोट भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जिससे आप इस ड्रोन को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको रिमोट में दिखाता हूँ, इस रिमोट में बेसिकली AA टाइप की 4 बैटरीज लगती हैं। तो इन 4 बैटरीज को लगाने के बाद में आप इस रिमोट को डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं और अपने ड्रोन को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब चलिए हम बैटरी को लगाने के बाद में सिंपली हम देखते हैं कि ये जो ड्रोन है वो किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें होती हैं। अब दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर रिमोट को ऑन करते हैं, आपको यहाँ पर एक सेंसिंग लाइट देखने को मिलती है और आपको ड्रोन में भी एक सेंसिंग लाइट देखने को मिलती है। जब ये ड्रोन और रिमोट का कनेक्शन एक दूसरे से पेयर हो जाएगा तो ये जो दोनों लाइटें हैं वो यहाँ पर ब्लिंक करना बंद कर देती हैं। तो सिंपली इसी तरीके से आपको इनको पेयर करना है। आपको अलग अलग मोड्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, आपको मोड 1 मोड 2 देखने को मिलता है जिनसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर की साइड आपको 2 बटन यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो कि लैंडिंग की है और एक यहाँ पर टेक ऑफ की है। तो दोस्तों जब आपके ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है तो कुछ इस टाइप का जो इंडिकेशन है वो आपको यहाँ पर फिलहाल देखने को मिलता है। और इसके साथ में अच्छी बात यह है कि आपको एक चार्जर भी इनका देखने को मिलता है। बेसिकली ये USB केबल है, तो आप इसे अपने लैपटॉप वगैरह से या फिर आप अपने अडाप्टर वगैरह से, जो स्मार्टफोन का अडाप्टर है उससे डायरेक्टली इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ इसके रिमोट के कुछ फीचर्स के बारे में, कुछ की फंक्शन के बारे में, तो यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए, बैकवर्ड करने के लिए आपको बटन यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। आपको आप इस ड्रोन को लेफ्ट साइड फ्लाई भी कर सकते हैं, राइट साइडवर्ड फ्लाई भी कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों आप इसको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों टर्न भी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो ड्रोन है वो यहाँ पर 3D रोटेशन भी करता है, यानी ये आप इसको 3D रोटेट भी करवा सकते हैं। तो सिंपली इस तरीके से ये जो ड्रोन है वो फिलहाल यहाँ पर काम करता है। और आपको हेडलेस मोड फ्लाइट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों स्पीड को भी स्विच करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, आप इस ड्रोन को लो या फिर हाई स्पीड में स्विच कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रिमर की भी देखने को मिल जाती है, जिससे आप इसको साइड बाई साइड ट्रिम करके फ्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इन यूनिक फीचर के साथ में ये जो ड्रोन है वो फिलहाल यहाँ पर आता है। दोस्तों ये कुछ यूनिक फीचर हैं इस सीमा X20 पॉकेट ड्रोन के बारे में। अब यहाँ पर इसका जो बाइंग लिंक है वो मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिससे आप क्लिक करके इस ड्रोन को अभी के अभी परचेज कर सकते हैं और एक ड्रोन उड़ाने का जो फील है वो ले सकते हैं।